हेलो भाई, वेलकम टू गौरव का टेक। आज हम देख रहे हैं हुंडई i20 मैग्ना। ये बेस वेरिएंट है। अगर आप 7-7.5 लाख के बीच में कोई गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं हैचबैक, तो इसको भी देख सकते हैं। बाकी उससे पहले आप गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स देखिए और बताइए कैसे लगे, और फिर आगे स्टार्ट करते हैं गाड़ी। हमें हुंडई i20 बेस मॉडल में हमें कंपनी ऑफर क्या क्या कर रही है। Just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the ride. स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट विंडशील्ड से। तो यहाँ पे हमें मैनुअल वाइपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से टेपर में बोनट व्यू देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ग्लोसी ब्लैक फिनिश में रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। बीच में हुंडई का लोगो नंबर प्लेट की जगह लोअर ग्रिल भी आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और जो इसकी स्किड प्लेट है ये भी आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपका हेडलैम्प यूनिट मिल जाएगी, हैलोजन बेस आपको हेडलैम्प मिलेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी, यहाँ पे आपका DRS मिलेंगे, और प्रोजेक्टर आपको हैलोजन में मिलेंगे फॉग लैंप के लिए। तो यहाँ से गाड़ी का पूरा फ्रंट चेकआउट कर सकते हैं आप। गाड़ी लग कितनी है, नेवी ब्लू कलर है ये गाड़ी का, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी। फ्रंट फेंडर पे राइट साइड पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्योंकि इंडिकेटर ORBM में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ इस तरह से स्टील रिम के साथ हमें इसके टायर देखने के लिए मिलेंगे। टायर साइज़ की बात करें तो 185/65/15 का टायर देखने के लिए मिलेगा। व्हील कैप मिलेंगे ब्लैक कलर के, फ्रंट डिस्क मिलेगा, रेयर ड्रम मिलेगा, सेम बॉडी कलर ए पिलर मिलेंगे। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा। बी पिलर मैट ब्लैक फिनिश में मिलेंगे, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। ORBM आपको ऑटो एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। बाकी नीचे जो इसका रनिंग बोर्ड है वो भी आपको सेम बॉडी कलर में देखने के लिए मिलेगा। अब इंटीरियर में आएंगे तो पूरा ब्लैक में हमें इसका इंटीरियर मिलेगा। डोर पैनल भी आपको पूरा ब्लैक में देखने को मिलेगा, इंटीरियर भी पूरा ब्लैक है, सीट्स भी इसका ब्लैक है, थीम ही पूरी ब्लैक पर रखी गई है। यहाँ पे ट्विटर की जगह मिल जाती है हमें देखने के लिए। नीचे स्पीकर, यहाँ पे ORBM कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। डोर ओपनर आपका ये लॉक अनलॉक के लिए। चारों पावर विंडो मिलेंगे, ड्राइवर ऑटो डाउन मिल जाता है आपको बेस वेरिएंट से देखने के लिए। ये डोर एक्सेस हैंडल, यहाँ पे हार्ड टच मिलेगा जो ट्रिम आर्म रेस्ट है, और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से सेमी फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिल जाएगी हमें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। हेडलाइट हाइट कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी, यहाँ पे AC वेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह की मिल जाती है हमें इसमें देखने में, देखने के लिए फ्लिप की सेंटर लॉकिंग के साथ लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और ये बूट गेट टेल गेट अनलॉक करने के लिए। कुछ इस तरह से स्टीयरिंग मिलेगा विदाउट एनी रैप, यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी आपको देखने के लिए। स्टीयरिंग आपको टिल्ट अप डाउन मिलेगा, बट टेलीस्कोप नहीं मिलेगा, यहाँ से आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी इस जगह से। और इस साइड आपका हेडलाइट कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी आपको देखने के लिए, इस साइड आपकी हेडलाइट कंट्रोल यूनिट, और इस साइड आपकी वाइपर कंट्रोल यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपका इंफोटेन सिस्टम की कंट्रोल यूनिट मिल जाती है। इधर आपका जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसे रीसेट और ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए दो बटन्स यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। फोर स्पोक स्टीयरिंग है विदाउट एनी रैप। टोटल 2 एयरबैग मिलेंगे हमें, ड्राइवर और को ड्राइवर। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, और कुछ इस तरह का हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसका। जैसे ही हम इसकी की को घुमाएंगे तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा हमें। एनालॉग में आपका RPM एनालॉग में, स्पीड मीटर एनालॉग में, बीच में डिजिटल MID, पेट्रोल गेज, यहाँ पे टेम्परेचर गेज, 10 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। तो कुछ इस तरह से हमें इसका पूरा मीटर है जो एनालॉग में देखने के लिए मिलेगा, RPM और स्पीड मीटर एनालॉग में। बाकी बीच में 3 इंच की डिजिटल MID मिल जाएगी। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आता है गाड़ी का निकल के। बोनट तो टोटल इसका दिखता नहीं क्योंकि टेपर लुक में है, बाकी डैशबोर्ड देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है देखने में। यहाँ पे 2D आपको इंफोटेन सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं फोन ऑडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए। और छोटी सी एक MID मिल जाएगी यहाँ वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, पावर ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे 2 AC वेंट, ये हजार लाइट का बटन आपका। यहाँ पे आपका मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा, USB पॉइंट और एक ऑक्स पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ा स्पेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। मैनुअल 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर देखने के लिए मिलेगा। गियर कंसोल बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको सेम ब्लैक में। 2 कप होल्डर मैनुअल हैंड ब्रेक्स, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा थोड़े स्पेस के साथ, स्लाइडेबल नहीं है। बाकी गाड़ी का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कि गाड़ी का कैसा लुक आ रहा। ऊपर मैनुअल डिमिंग आपको IRBM मिलेंगे। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, 2 येलो रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी देखने के लिए। इधर आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा, यहाँ खाली टिकट होल्डर मिलेगा देखने के लिए। मैनुअल IRBM मैं आपको दिखा चुका। वहीं ग्लोब बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह का ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलेगा हमें। कूल्ड नहीं है ये, ना कोई लाइट है। बेस वेरियंट में कूल्ड देंगे कहाँ से यार,
ताकि गाड़ी चेकआउट कर सकते हैं। एक बार चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे, यहाँ पे आपका एसी का बटन है। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। यहाँ पे क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाता है आपको, रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, इस तरह का एंट्री मिल जाता है। जैसे ही हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे सेम आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा, ब्लैक में। ये डोर ओपनर ग्लोसी ग्रे में, ब्लैक है, ग्रे है, कुछ डार्क है बिल्कुल। ग्लास अप डाउन करने के लिए, ये डोर एक्सेस करने के लिए हैंडल। यहाँ पे स्पीकर, वाटर बॉटल, स्पेस, एडजस्ट नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है क्योंकि एड ऑन है, छोटे छोटे से एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हमें इसमें। यहाँ पे दो एसी वेंट मिल जाएंगे, नीचे चार्जिंग पॉइंट और एक थोड़ा मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए स्पेस। एक रीडिंग लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी देखने के लिए। टू ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, तीन ग्रैब हैंडल है टोटल। एक बार बूट स्पेस और दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का रेलुक देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आपको रेयरटेल लैम्प्स का पार्ट मिलेगा। यहाँ पर 20 की बैजिंग, यहाँ पे कुछ इस तरह से LED में टेल लैम्प्स देखने मिल जाए, इंडिकेटर, बैक लाइट आपका, यहाँ पे हुंडई का लोगो, प्लेन रेयर ग्लास मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, हुंडई का लोगो, यहाँ पे 20 की ब्रांडिंग, कुछ इस तरह से। चार पार्किंग सेंसर्स नहीं है इसमें, टोटल दो पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए। रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ब्लैक स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। और बूट स्पेस की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप कुछ हैंग भी कर सकते हैं, पार्सल ट्रे भी नहीं है। और यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील विद टूल्स। ये था हुंडई i20 मैग्ना वेरिएंट का इंटीरियर एक्सटीरियर। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में कैसे बताएं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।